हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे क्वांटम कैट सर्वेश कुमार वर्मा का अलजेब्रा इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 4 कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 3 तक हम वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं, और अगर अभी तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगर अभी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन या अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए, इसको दो मेथड से किया जा सकता है। आप x का वैल्यू अज्यूम कर लीजिए, x का वैल्यू क्या ऐसा पुट करें कि दो आ जाए। तो x का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं, तो 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। देखिए, x का वैल्यू हम क्या पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए, तो 1 ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, तो आप इधर भी पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 बाई 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऑब्वियस लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। और अगर आपको बेसिक से देखना है तो इसको ऐसे बेसिक से कैसे कर सकते हैं, आप x का वैल्यू 1 पुट करके भी बना सकते हो, उससे भी सेटिस्फाइड हो रहा है। और अगर आपको बेसिक से करना हो तो आप क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर टू एक्स इंटू वन बाई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये 4 हो गया, ये x x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। तो आप ये भी कर सकते हो, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, यहाँ पर फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो देखिए, इसको करने में आपको कितना लगा, 30 सेकेंड। और अगर आपको पता हो पहले से कि x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 1 इधर सेटिस्फाई हो रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्ट 2 आंसर हो गया। इसको करने में कितना लगा, 5 सेकेंड। तो आपको चुनना है कि आप बेसिक से करना चाहते हो या शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो देखिए, अभी फिलहाल हम लोग कुछ क्वेश्चन बेसिक से कर लेते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक का होगा उसमें हम आपको बताते चलेंगे। देखिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये क्या हो गया, 16। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये इधर चला जाएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 18। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। तो देखिए, क्वेश्चन करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इसको अगर इसमें शॉर्ट ट्रिक हमसे पूछोगे तो डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो, तो इसको डायरेक्ट करने का एक तरीका है। देखिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, और अगर यहाँ पर माइनस है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकल गया कितना, 18। और इसी क्वेश्चन में, देखिए इसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 4 दिया हो और आपको एक्स स्क्वायर निकालना हो, आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ हो और बोले कि ये चीज़ निकालना है, तो आप कैसे करोगे, डायरेक्ट 16 और माइनस 2 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, देखिए अब करके देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी एक्स इंटू वन बाई एक्स, तो ये कट जाएगा, ये क्या हो गया, 16, और 16 में से 2 चला गया 14। तो आप कहने का मतलब है कि इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस है, तो माइनस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स, यहाँ पर ये माइनस है, तो 4 का स्क्वायर करके 16 और इसमें 2 जोड़ देना है, डायरेक्ट 18 आंसर हो गया। और अगर यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में क्या रहता, प्लस, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 14 आंसर हो जाता। अगर यहाँ पर सिर्फ प्लस रहता तो आंसर सी हो जाता, मगर यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो आप बेसिक से भी कर सकते हो और शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, जैसे आपको करना है करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू रूट थ्री, देन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है। तो देखिए, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू टू रूट थ्री, तो पहले हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है। इस पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, बेसिक से कर रहे हैं। ए क्यूब प्लस यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस थ्री
ए, बी का वैल्यू क्या है 1 बाई एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और देखिए यहाँ पर क्या था 2√3, तो 2√3 का क्यूब करेंगे तो ये हो गया 8। 2 का क्यूब कितना होता है 8, और इसका होता है 3√3। ठीक है, तो अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये प्लस हो गया 3, और देखिए यहाँ पर एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या है 2√3, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2√3 इक्वल टू ये हो गया 24√3। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 24√3 माइनस 6√3, तो ये क्या हो जाएगा 18√3 आंसर हो गया इसका, सी इसका आंसर हो गया। चलिए कुछ नहीं करना था, बेसिक से कर लीजिए क्यूब, आपको ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कोई बड़ा इशू नहीं है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो सेम क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 दिया हुआ है, दोनों साइड क्या कर देंगे हम लोग क्यूब कर देंगे, जैसे इस प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों साइड क्यूब किए थे, इसी तरह इसमें भी क्यूब कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी, और यहाँ पर एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देखिए एक्स प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, तो हम पुट कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, इक्वल टू 27, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, और 9 माइनस कर दीजिएगा 27 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो गया इसका आंसर। कुछ नहीं करना था, जैसे आपको दिया हुआ था वैसे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आप किए हो एकदम सेम क्वेश्चन वैसे ही करना था, ए प्लस बी का होल क्यूब पर ये पूरा क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ही है, बस वैल्यू चेंज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2, और एक्स पर पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 6 पूछ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप एक्स का वैल्यू हम क्या बोले हैं 1 पुट करने के लिए, तो 1 पुट कीजिएगा तो 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 2, मीन्स 2 इक्वल टू 2 सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब चाहे क्वेश्चन में कुछ भी हो, अगर यहाँ पर पूछे तो 1 पर पावर 6 प्लस 1 बाई 1 पर पावर 6, तो 1 पर पावर 6 कुछ भी हो, 1 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अगर आपसे यहाँ पर पूछ देता 1 पर पावर 59 प्लस 1 बाई 1 पर पावर 160, एक्स पर मतलब मीन्स एक्स पर पावर 159 डिवाइडेड बाई प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 160, इसका वैल्यू निकालने के लिए, तो आप एक्स का वैल्यू क्या पुट करते हैं 1, और 1 का कोई भी पावर हो 1 ही होता है वैल्यू, तो 1 प्लस 1 ये भी 2 हो जाता है। कुछ भी पूछे आपसे, अगर एक्स का वैल्यू 1 आ गया तो एक्स पर पावर कुछ भी हो, यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स पर पावर 6 दिया है, यहाँ पर 8, 10, 15, 12 कुछ भी दिया हो कोई फर्क नहीं होता, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर भी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पूछा था, डायरेक्ट आप 2 मारे क्योंकि एक्स का वैल्यू 1 पुट किए। अब यहीं पर एक्स पर पावर 4 पूछ दे, एक्स पर पावर 6 पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है 1 पुट करना है, इसका याद रखिएगा। सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 किए थे, सेम क्वेश्चन है ये भी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या दिया हुआ है इक्वल टू 6 दिया हुआ है, और हमको निकालना है x माइनस 1 बाई एक्स। देखिए इसको करने का सिंपल सा तरीका, इसको दो पार्ट में तोड़िए। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि, अब सबसे पहले आप ऑप्शन से करके देख लीजिए, x माइनस 1 बाई एक्स अगर आपको 3 दिया हुआ है तो यहाँ से आप मान लेते हो ऑप्शन चेक कर रहे हो, ठीक है, आप इसको छोड़िए पहले, इसको करने से पहले आप ऑप्शन से इसको करना चाहिए, उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि एकदम आसान सा शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी इक्वल टू 4, ये 2 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन में यही तो पूछा हुआ था, इसको आप ऑप्शन से पुट करके किए तो इसका आंसर क्या आ गया ए, मगर हम चारों ऑप्शन पुट करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो अब हम लोग ऑप्शन से नहीं करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन से करेंगे, कैसे करना ये हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक में। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना हो और यहाँ पर एक्स
प्लस वन बाई एक्स निकालना हो, कुछ भी निकालना हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर सिक्स दे दिया है, तो अगर आपको माइनस निकालना है तो आप क्या करोगे, छः में से दो घटा के रूट चढ़ा दोगे, और अगर प्लस निकालना हो तो छः में दो जोड़ के रूट चढ़ा दोगे। तो यहाँ पर एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, फोर रूट अंडर, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, टू, जो आपको निकालना है वो आंसर आ गया आपका, ठीक है, यही तो निकालना था, टू हो गया। और इसी के जगह अगर मान लीजिए स्लैश में एक्स प्लस वन बाई एक्स भी आपसे बोल दिया जाए निकालने, तो आप क्या हो जाएगा, रूट अंडर एट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टू रूट टू। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका करने का तरीका, कुछ नहीं करना है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स दिया हुआ है और एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना है, तो जो दिया हुआ है उसमें दो घटा के, अगर माइनस निकालना है तो दो घटा के रूट चढ़ा दीजिए, और प्लस निकालना है तो दो जोड़ के रूट चढ़ा दीजिए, हमेशा वही आंसर होगा आपका। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो दो माइनस जो है वो जुड़ता है, और जो प्लस है वो माइनस, देखिए जो माइनस में है वो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। ये आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको हम बताएंगे, ऐसा क्वेश्चन और भी रिपीटेड होगा। अब देखिए, चलिए इसका ये तो समझ गए आप लोग, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू 36 दिया हुआ है और एक्स माइनस वन बाई एक्स आपको निकालना है, तो देखिए इसको अभी हम लोग पहले ऑप्शन से करेंगे। देखिए कुछ कुछ चीज़ होता है जिसको ऑप्शन से करने में ज़्यादा फायदा होता है, अब इसको हम लोग कर तो सकते हैं उससे वैसे भी, मगर आप इसमें सिर्फ हम स्क्वायर फॉर्मेट पर बताएं, क्यूब फॉर्मेट पर नहीं बताएं, क्यूब फॉर्मेट पर भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आगे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला, लगातार दो तीन वीडियो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तो इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं, देखिए वन पुट करेंगे तो बहुत छोटा अंक हो जाएगा, टू भी बहुत छोटा, हम लोग पुट करते हैं थ्री, थ्री पुट किए, दोनों साइड क्या किए, क्यूब पुट कर दिए, हम कुछ नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन में दिया हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं, हम पहले सी चेक कर रहे हैं, ठीक है, सी चेक किए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, और यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स, ए माइनस बी जिसको बोलते हैं, और ये हो गया 27, ये x x कट गया, और x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं, थ्री मान के चल रहे हैं, ठीक है, जो ऑप्शन है उसको चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हो गया माइनस थ्री इंटू थ्री इक्वल टू 27। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हो गया 27, और प्लस ये हो गया थ्री थ्री जा नाइन, तो ये क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 36 दिया हुआ है, और डायरेक्ट हम अगर ऑप्शन थ्री को पुट कर देते हैं तो आपको पता चल रहा है कि सेम आंसर आ जाए, x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री हम मान के करते हैं तो आंसर आपका 36 आ जा रहा था, मतलब ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा, तो ऑप्शन इसका थ्री इसका आंसर हो जाएगा। और आपको एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब दिया हुआ उससे भी बता देंगे, मगर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 42 का आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को और भी मेथड है जिससे हम लोग करेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन से इसमें ज़्यादा होता है, अच्छा आराम हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू टू, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वन का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है, तो हम लोग देखिए ऑप्शन के थ्रू इसमें भी जाएंगे। अब देखिए जैसे ऑप्शन के थ्रू जाओगे ना, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है क्यू बोला जिसको आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आप ऑप्शन से जाओ, देखो वन और टू आप कुछ भी पुट करके देख लो, तो कोई भी ऑप्शन आप अगर पुट करते हो तो देखिए जैसे कि हम लोग को पुट करना है तो हम लोग क्या पुट करेंगे 43 में, देखिए क्या पुट करना है हम लोग को, हम लोग पुट करके देखते हैं, वन बहुत छोटा हो जाएगा, हम लोग टू से पुट करना चालू कर देते हैं, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, हम मान लिए कि इसका आंसर टू है, ऑप्शन पुट कर रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड क्यूब कर दिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, और ए प्लस बी बराबर क्या हम लोग माने हैं, यहाँ पर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर हम लोग टू ऑप्शन पुट कर दिए हैं, तो एक्स प्लस वन बाई यहाँ पर टू हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया एट, ये टू टू कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब क्या हो गया, एट माइनस सिक्स, थ्री टू जा सिक्स उधर जाके माइनस होगा, तो ये टू सेटिस्फाई कर रहा है टू, तो टू क्या हो गया, आंसर हो गया। आप जब क्यूब के फॉर्म में हो तो ऑप्शन से ही जाओ, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है वो बताएंगे, पहले कुछ प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि दोनों साइड से आपको जाना बहुत जरूरी है, तो प्रैक्टिस रहेगा तो उस पर आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है, एक्स पर पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पर पावर फोर इक्वल टू 34,
फोर हमको निकालना क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स क्वेश्चन में निकालना है। अगर यही एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना हो या फिर आपको बोल दे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना हो, तो ये सारा कुछ हम लोग करेंगे। हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो, कुछ भी मान लीजिए क्वेश्चन ये हम लोग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अगर नाइन दिया हुआ है, यहाँ से क्या निकालना हो, एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना हो, तो नाइन में से टू घटा के रूट चढ़ा दीजिएगा, और एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना हो तो यहाँ पर नाइन और प्लस टू चढ़ करके रूट चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए अब यहाँ पर इससे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तभी तो हमको एक्स माइनस वन बाई एक्स पता चलेगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स निकालने का क्या होता है, हम क्या बोले थे कि अगर प्लस में निकालना हो, प्लस में निकालना हो तो आप क्या करोगे, 34 इसमें दो जोड़ के रूट चढ़ा दोगे, तो ये क्या हो गया 36, और 36 का रूट क्या होता है, 6 का स्क्वायर जो होता है 36, और यदि रूट से 36 ये हो गया 6 हो गया, तो ये किसका वैल्यू हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ये दो पार्ट में टूटेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, अब देखिए यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ देता कि एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, तो आप जानते हो कि 6 दिया हुआ है, तो 6 और प्लस इसमें दो जोड़ के रूट चढ़ा दिए, वही काम तो यहाँ भी किए हैं, एक्स पर पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पर पावर फोर, 34 दिया हुआ है, इसमें दो जोड़ के रूट चढ़ा दिए, तो एक्स स्क्वायर निकल गया, पावर घटते जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए 4 पावर था तो ये 2 पावर हो गया, अब 2 पावर है तो 1 पावर हो गया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रूट 8 हो गया। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना है, तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना है, तो ये क्या करेंगे आप, यहाँ पर 6 और माइनस टू कर देंगे और रूट चढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर फोर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 आंसर। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप इससे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और पूछा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालिए, तो आप ये मत करना कि इसमें दो घटा देना, नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, एक्स माइनस वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन बाई एक्स, यही आपको निकालना है। तो ये दोनों आपको निकालने के लिए हम फॉर्मूला बता चुके हैं कि पहले पावर घटा के एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से ही आपको दोनों निकलेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर हमेशा चढ़ता है, ऐसा नहीं होता कि x माइनस, आप देखिए ऐसा कहीं पर आप नहीं देखे होंगे, आप कहीं भी ये नहीं देखे होंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर कब, अगर x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर आप करते हो तो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है, और x यदि यहाँ पर प्लस भी होता तब पर भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर या प्लस टू ए बी हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आप इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा एक चीज़ को याद रखिए कि अगर आपसे पावर फोर है और अगर आपसे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछा गया तो एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन दोनों का वैल्यू आप निकालने बता दिए, वैसे आप कर सकते हो। चलिए सिंपल सा इस क्वेश्चन में कैसे करना था हम आपको बता दिए कि एक्स पर पावर फोर दिया हुआ है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 24 उसमें दो जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36 हो गया, और 36 रूट से बाहर आएगा तो 6। अब यहाँ से x माइनस वन बाई एक्स निकालना है तो फिर 6 में से 2 घटा देंगे और रूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, और अगर प्लस निकालना है तो रूट प्लस 2 कर देंगे और रूट चढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 8, तो 2√2 हो जाएगा इसका। अगर आपसे पूछता यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स तो ये तो 2 हो गया, और x प्लस वन बाई एक्स पूछ लेता तो ये क्या हो जाता, 2√2। इसको करने में मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस में हो, देखो कैसे आप देखते 4 है, यहाँ से डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, 36, दो जोड़ दिए रूट चढ़ा दिए ये हो गया 6, यहाँ से एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या हो जाता है, 6 है, माइनस 2 रूट चढ़ा दिए ये हो गया 2, और अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स पूछ देता तो इसमें क्या करते हैं, 6 में दो जोड़ देते और रूट चढ़ा दीजिए रूट 8। तो आप इस टाइप से जब प्रैक्टिस करोगे तब जाके अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45, सेम क्वेश्चन है उसी टाइप से हम लोग करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। एक्स पर पावर फोर प्लस वन बाई एक्स पर पावर फोर इक्वल टू 119। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है, तो
तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाले। कैसे निकाले, यहाँ पर 119 है, इसमें दो जोड़ दिए और रूट चढ़ा दिए, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 121। तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया 11। यहाँ से दो चीज़ हम लोग निकालेंगे, क्या एक्स माइनस वन बाई एक्स, ठीक है, और एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो हमको किसका ज़रूरत है, एक्स माइनस वन बाई एक्स का ज़रूरत है, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे फिर तो 11 है, तो 11 में से आप क्या करोगे, दो घटा दोगे, माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। और यहीं आपको अगर क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना रहता, तब दोनों हम बता देते हैं आपको, सिर्फ निकालना यही है मगर हम दोनों बता देते हैं, ठीक है। तो 11 में क्या कर दीजिए, यहाँ पर दो जोड़ दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो गया, रूट अंडर 13। अब ऐसा क्यों, इसका क्या ज़रूरत पड़ गया, तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब निकालना है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 3 आपको पता चल गया, तो दोनों साइड क्यूब कर लीजिए, ठीक है, कर लिए आप, यहाँ पर वैल्यू निकाले हो एक्स माइनस वन बाई एक्स का, तो क्यूब कर लिए तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, और एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या है, 3, और ये हो गया 27। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, 27 और 3 3 9 इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 36। आंसर हो गया सी। तो आपको x माइनस वन बाई, जैसे a माइनस बी पता रहेगा तभी तो आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालोगे, तो सिंपल बात है, a माइनस आपको x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू हम निकाले 3, दोनों साइड क्यूब किए आप निकाल दिए। और अगर इसी क्वेश्चन में आप 36 आपको पता चल गया इस क्वेश्चन का, अब इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब निकालना हो तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू रूट 13। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप क्या किए हो, दोनों साइड क्यूब किए हुए हो, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3 ए बी, और ए प्लस बी का क्या है, रूट 13, और यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू 13 रूट 13। तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब अगर आपसे कोई पूछ देता तो आप क्या बोलते, 13 रूट 13 माइनस 3 रूट 13, तो ये हो जाता 10 रूट 13। तो आपको दोनों बता दिए, आपको एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब भी निकालने बता दिए, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब भी पूछता, तो ये आ जाता आपका 10 रूट 13। तो कुछ भी पूछे आप कर सकते हो, बस आपको ये प्रोसेस आना चाहिए कि x माइनस वन और x प्लस वन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, इफ़ 3x माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू क्या पुट करें, इसमें देखिए सॉल्व करने में बहुत बड़ा हो जाएगा, x का वैल्यू क्या पुट करें, तो देखिए सबसे पहले हम x का वैल्यू, आप 0 तो पुट कर नहीं सकते हैं, x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो ये 5 के बराबर तो नहीं होगा। अब x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 माइनस 2 बाई 2 इक्वल टू 5 आना चाहिए, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, तो 6 माइनस 1 क्या हो गया, ये 5 के बराबर, 5 इक्वल टू 5। मीन्स जब x इक्वल टू 2 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो 9x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हम क्या, x का वैल्यू अगर क्वेश्चन में पुट कर रहे हैं तो ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, 3x माइनस 2 बाई 5 2 बाई एक्स है, यहाँ पर 2 बाई एक्स इक्वल टू 5, अगर 2 का वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, 5 इक्वल टू 5 आ जा रहा है, तो इसको हम लोग जो निकालना है उसमें भी पुट करेंगे, तो 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यहाँ पर हो गया 4 और डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 और इसमें से एक घट जाएगा, तो ये क्या आंसर आ गया, 35 इसका आंसर आ गया, बी आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था आपको, वैल्यू चेक करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्स का बराबर 1 पुट करते तो नहीं आता, एक्स बराबर 2 पुट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जा रहा है,
मतलब बराबर आ जा रहा है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको निकालना है, तो उसमें एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।